रागगिरी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरा वीडियो मेरे बच्चे के साथ जो ट्वीट किया था और वो दोबारा वायरल हो गया, फिर सभी न्यूज़ ने वो दिखाया. तो थैंक यू फॉर मेकिंग अ नोट ऑफ आर स्मॉल मोमेंट. और बहुत ही अच्छा काम रागगिरी ये संस्था कर रही है. तो इस संस्था से ये मेरी पहली मुलाकात है और आई एम सो ग्लैड कि मैं इस संस्था से अभी जुड़ गई हूँ. तो थैंक यू सो मच. ये मेरा सौभाग्य है, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे दादाजी पंडित पद्माकर बरवे, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, एंड ही वॉज अ क्लासिकल सिंगर एंड ही ऑल्सो यूज टू वर्क इन ऑल इंडिया रेडियो. मेरी दादी मालती पांडे बरवे, वो बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर थी. मेरे पिताजी, वो भी एक क्लासिकल सिंगर है, और मेरी माँ एक जानी मानी कवयित्री है. तो मेरी परवरिश ही एक संगीत के माहौल में रही है, संगीत के संस्कारों में रही है. तो आई फील आई एम ब्लेस्ड. इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस, मैं रियाज कर रही थी, अगले दिन मेरा एक प्रोग्राम था और युवान वहाँ पे खेल रहा था. मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे बैठे थे. मेरे हस्बैंड जो खुद एक बहुत ही बड़े सरोद आर्टिस्ट हैं, बहुत ही उम्दा म्यूजिशियन हैं, उनका नाम है सारंग कुलकर्णी. तो हम वहाँ पे थे और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने युवान को गोदी में ले लिया और मैंने सुर लगाना शुरू किया. मैंने जैसे गंधार लगाया, उसने गंधार लगाया. तो मेरे हस्बैंड ने वो मोमेंट कैप्चर कर दी. तो वो वीडियो आपने भी देखी होगी. उस बच्चे ने, वो तब 5 महीने का था तकरीबन, और उस बच्चे ने परफेक्ट सुर लगाए हैं. और मेरा जो रिएक्शन था वो उस वीडियो में आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि आई वॉज ओनली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. और एक बात बताऊंगी, उस वक्त उस बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा काम कर रहा था, वो इतना फोकस था सुर लगाने में. जैसे भी वो वीडियो ख़त्म हुई है, वो मेरे गोदी में सो गया. तो मैं और सारंग उसके बाद दोनों भी ऐसे, क्या बोलूँ, आश्चर्यचकित हो गए. हमारे लिए इट वॉज अ मोमेंट टू यू नो चेरिश फॉर एवर. और हम दोनों ऐसा ही सोच रहे थे कि ये अभी क्या हुआ है, ये क्या था. फैमिली से हूँ, जैसे मैं अभी युवान के लिए गाना गाती हूँ, उसको सुनवाती हूँ,
वैसे मुझे मेरी दादी मेरे लिए गाना गाया करती थी और तभी से उसके गाने मेरे कानों पे पड़ते थे और तभी से मुझे लगता है संगीत के जो संस्कार हैं वो तभी से मेरे ऊपर शुरू हुए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी पहली गुरु जो होती है वो हमारी माँ होती है और मेरी माँ ने भी सिर्फ संगीत नहीं लेकिन अन्य कलाओं की खूबसूरती से मुझे वाकिफ किया। फिर मैंने मेरे पिताजी से सीखना शुरू किया। मेरी दादाजी की बहुत सुंदर सुंदर बंदिशें उन्होंने खुद कंपोज की हैं, खुद लिखी हैं ब्रज भाषा में, तो वो उन्होंने मैंने उनके पास सीखना शुरू किया। और फिर आई स्टार्टेड लर्निंग प्रॉपर क्लासिकल सीरियसली फ्रॉम श्रीमती माधुरी ताई जोशी जो पूना से ही है। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई रवि दादे जी से, जिन्होंने मेरी मुलाकात गज़लों की दुनिया से की, मुझे गज़लों की दुनिया से वाकिफ़ किया और उनकी बहुत सुंदर सुंदर कॉम्पोजिशंस मुझे सिखाई। अपनी बेटी मानकर उन्होंने बहुत प्यार से मुझे सिखाई और मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा है कि मेरी संगत बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ रही है। उनमें से एक है राहुल देशपांडे जी, जो कि वो खुद एक बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर है। मैंने उनके साथ बहुत परफॉर्म मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे म्यूजिकल प्लेज, मराठी संगीत नाटक मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ, तो उनका भी गाइडेंस मुझे मिलते आ रहा है। उन्होंने मुझे संगीत नाटक में नाट्य संगीत की शिक्षा मैंने उनसे पाई है और मुझे संगीत सुनना ही अपने आप एक सबसे बड़ी शिक्षा है, तो ये भी मैं मानती हूँ। तो ऐसे आई फील ब्लेस्ड कि मेरे जिंदगी में अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मेरे जो पति हैं सारंग कुलकर्णी, ही इज ऑल्सो वेरी गुड क्लासिकल म्यूजिशियन, तो मैं उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखती हूँ। तो यस, मैं अभी भी एक छोटी स्टूडेंट हूँ गजल की और अभी भी मेरी शिक्षा शुरू है। लेकिन गजल से मेरी मुलाकात हुई जब मेरे पिताजी ने मुझे एक कसेट गिफ्ट की थी हरिहरन जी की, उसका नाम था काश। आई वॉज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड में भी और मुझे प्यार हो गया उस सिंगिंग फॉर्म से और मैं और मेरे पापा हम दिन रात वो कैसेट सुनते थे और सब गजलें हम याद करते रहते थे। तो जब भी कोई मेहमान आता था घर पे, मैं हारमोनियम लेके बैठती थी और कोशिश करती थी हारमोनियम बजाने की और गजलें उनको सुनाती रहती थी। और लकीली उसी टाइम मेरी मुलाकात हुई रवि दाते जी से और फिर उनके पास मैंने गजल का शिक्षण शुरू किया। मैं हरिहरन जी की एक गजल सुनाना चाहूंगी, उसी एल्बम से है, काश से। झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, फूल के दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले हंस बोल ले। मेहंदी हसन साहब की गजल सुनाती हूँ।
सारे मगन सारे नी धनी पर धसा गुलों में रंग हरे बादनों बहार चले गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले दिल के चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद इसका हम है के बहुत देर में बर्बाद किया हमको किसके हमने मारा हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही हमको किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही। बेगम अख्तर साहिबा की ये बेहतरीन गजल है मोहब्बत और उसके बाद शोभा गुरकू जी ने गाई हुई एक इसी राग में गाई हुई मराठी गजल आपके लिए पेश करती हूँ। जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया आया है ऐ मोहब्बत उघड़ा पुनः जहाया उघड़ा पुनः जहाया जख्मा उरातल्या फुलवी तुझा स्मृतीचा कलिका मनातल्या उघड़ा
पुनः झाल्या जखमातल्या फुलवी तुझ्या स्मृतींच्या कलिका मनातल्या उघड्या पुनः झाल्या। फिरोज अब्बास खान ने दिग्दर्शित किया हुआ ये भारत का पहला बिगेस्ट म्यूजिकल ब्रॉडवे है, जिसमें मुगले आजम, जिसमें मैं अनारकली का किरदार निभाती हूँ, और इस किरदार के लिए मुझे बहुत ढेर सारा प्यार मिला है, बहुत लोगों ने सराहा है, बल्कि मुझे ही नहीं इस प्ले को बहुत सारा प्यार मिला है। और हम लोगों ने इस प्ले के 150 तकरीबन 150 से ज़्यादा शोज़ किए हैं भारत में और भारत के बाहर भी। तो अभिनय करना ये मेरे लिए नई बात नहीं थी इस प्ले के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं, जैसे मैंने कहा, राहुल देशपांडे जी के साथ मैं संगीत नाटक करते आई हुई हूँ। तो लेकिन इस प्ले में मुझे गाना था, उसके साथ अभिनय भी करना था और डांस भी करना था। कथक की तालीम मैं जब बहुत छोटी थी तभी ली थी, तो वो मुझे यहाँ पे काम आई। तो हाँ, ये तीन तीन रोल्स मुझे निभाने हैं, जो कि है सिंगिंग, उसके साथ डांसिंग और अभिनय। तो बहुत ही चैलेंजिंग ये रोल था मेरे लिए, और इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने, क्या बोलूँ, टेक्निकली ये बहुत प्ले, बहुत साउंड है, और मनीष मल्होत्रा के कॉस्ट्यूम्स हैं, मयूरी उपाध्याय के ने कोरियोग्राफी की है। तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना, ये सचमुच मेरा सौभाग्य है। और उसमें से एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो गाती हूँ आपके लिए। मधुबाला जी ने किया हुआ ये रोल, जिसको प्लेबैक दिया है लता जी ने। तो मोहे पन घट पे नंदे लाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे आ मोरी नाचुक कलैया मारो रे गयो रे, कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, कंकरी मोहे मारी गगरिया फोर डारी, ओ गगरिया फोर डारी, हाँ हाँ मुरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोरी सारी अनारी भीगो गयो रे, मोहे पन घट अजी हाँ मोहे पन घट आ मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो